आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को 7वें आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इसकी वजह से उत्पादन, नौकरियों और कल्याण के लिए अभूतपूर्व नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना ने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे आर्थिक तंत्र को संरक्षित रखने, मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए कई कदम उठाए हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन के प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के वापस सामान्य स्थिति की ओर लौटने के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं।